मानव रचना समाचार में आपका स्वागत और स्नेहा गुप्ता का प्रणाम। फरवरी की 13 तारीख से शुरू हुए मौजूदा किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के भीतर और आसपास के इलाकों में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। आंदोलनकारी देश भर के किसानों के हितों का दावा कर रहे हैं, पर विशेषज्ञों का मानना है इससे ज्यादातर असली किसानों का नुकसान हो रहा है। करीब 3 साल बाद किसान आंदोलन में एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। हर ओर जाम की स्थिति दिख रही है, आम आदमी परेशान है। लेट बहुत हो रहा है, 10 मिनट लेट हो गया, कंपनी गेट भी बंद कर सकती है। परेशान है किसान, हम लोग इंसान परेशान है, ये भी परेशान है, सारे लोग परेशान है जी। ऑटो नहीं मिल रही यहाँ से, यहाँ से पैदल जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए, हमें मतलब आने जाने की दिक्कत हो रही है। किसानों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है सभी 23 फसलों पर MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम खरीद मूल्य की कानूनी गारंटी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के मूल्य तय हो। और तीसरी बड़ी मांग कि किसानों के सभी कर्ज माफ हों। 1960 के दशक की इस MSP वाली सोच को आर्थिक विशेषज्ञ आज देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं। But because the MSP encourages sanctioned loot, it has continued decades upon decades. Let me elaborate a little on this sanctioned loot. Did you know only 6% of Indian farmers benefit from the MSP? The very concept is antithetical to free market and sound economics. एक सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली के नाक में दम कर चुके ये आंदोलनकारी सचमुच किसान हैं भी कि नहीं? करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में बैठकर आंदोलन कर रहे ये लोग किसान कम और धनी उद्योगपति ज्यादा लग रहे हैं। ऊपर से कई जगहों पर इस किसान आंदोलन में आतंकवादियों के समर्थन में लगाए गए नारे तो और भी चिंता का विषय हैं। इस किसान आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास में केंद्रीय मंत्रियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के नेताओं की कई बार हुई बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। तानिश सक्सेना, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। लोकसभा चुनाव आते आते क्या इंडिया गठबंधन टूटकर पूरी तरह बिखर जाएगा? विपक्षी खेमे में इन दिनों यह सवाल चिंता का सबब बना हुआ है। पंजाब और दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक तथा जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक इंडिया गठबंधन को मानो ग्रहण लग चुका है। बीते साल बड़े धूमधाम से पटना में हुई गैर BJP दलों की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहमान नवाजी में विपक्षी एकता की पहल का श्री गणेश हुआ था। बेंगलुरु में हुई इन्हीं दलों की अगली रैली में नाम पड़ा इंडिया गठबंधन। पर इसी विपक्षी एकता के जनक नीतीश कुमार अब स्वयं BJP की गोद में जा बैठे हैं। सरकार बनाने की पहल भाई, अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना, आप देखते रहिए, अभी तो जो होना था वो हो गया। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुए अपमान को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब तक भूले नहीं हैं। यूपी में कांग्रेस को नाको चने चबाना पड़ रहा है। अंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए, आप समझदार हो। गठबंधन होगा या नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी या आपकी सरकार है। इन दोनों राज्यों में आप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने के मूड में हैं। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को नाच नचा रखा है। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ठीक ऐसे ही सलूक कांग्रेस के साथ बंगाल में कर रही हैं। कुल मिलाकर लबोलुभाव ये है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से बिखरने की स्थिति में पहुँचता नजर आ रहा है। राखी चौधरी, दिल्ली, मानव रचना समाचार। संयुक्त अरब अमीरात या UAE के मशहूर शहर दुबई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर 14 फरवरी को UAE के एक और शहर
अबू धाबी ने काफी सुर्खियां बटोरी जब वहां 27 एकड़ में फैले भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। प्रस्तुत है इस बारे में एक विशेष प्रस्तुति जिसे स्वयं प्रधानमंत्री की आवाज में पिरोया गया है। जय श्री स्वामीनारायण। मंदिरम सनातनम। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। एक मोहम्मद बिन जायद का प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया। मंदिरम सनातनम। अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की सांझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। आने वाले समय में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इससे यूएई आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा। अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर महत्वपूर्ण है। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। मानव रचना समाचार ब्यूरो। फरवरी के महीने में फरीदाबाद में 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हुआ। यह सालाना उत्सव इस साल 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चला। इसमें देश विदेश के सैकड़ों शिल्पकार जुटे और लोगों ने जमकर इस मेले का लुत्फ उठाया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यानी नृत्य संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वार्षिक महाकुंभ। इस साल भी लोगों ने दुनिया भर की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया, जैसे यह मनमोहक अफ्रीकी नृत्य। गुजरात इस साल के सूरजकुंड मेले का विशेष राज्य रहा। गुजरात की शिल्प कलाओं के साथ साथ गिर के बब्बर शेर और सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति लोगों के लिए विशेष आकर्षित रही। इस साल के सूरजकुंड मेले में किर्गिस्तान, मेडागास्कर और घाना सहित अनेकानेक देशों के शिल्पकारों ने भी अपने अपने देशों का स्टॉल लगाया। उम्दा कालीन घरेलू उपयोगी सामान, सोफे, कपड़े, साड़ी, शॉल जैसे आकर्षक उत्पाद खरीदारों को अपनी ओर लुभा रहे थे। As the sunset on Surajkund Mela, its vibrant colors and cultural melodies linger in my heart, promising to return again next year. अब लोगों को इंतजार रहेगा अगले साल के सूरजकुंड मेले का।
साहिल भाटी, साहिल गोयल, ध्रुव अत्रिश और जॉयल सीबू के साथ चारुदत्त शर्मा, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। इन दिनों भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जारी है। 5 मैचों वाले इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से रौंदकर 2-1 से बढ़त बना ली है। रनों के हिसाब से यह भारत के लिए इतिहास की सबसे बड़ी जीत है और बीते 90 सालों में इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार। रविंद्र जडेजा की गेंद पर मार्क वुड के इस कैच को यशस्वी जायसवाल ने जैसे ही लपका, भारत ने किसी भी देश के खिलाफ इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जीत 434 रनों से। कैच लपकने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी इस मैच में एक विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया। टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा 12 छक्के लगाने वाले वसीम अकरम की बराबरी कर ली। अकरम ने यह रिकॉर्ड साल 1996 में बनाया था। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे किसी भी तरीके से मदद किया है हर जगह पे, और जस्ट यही है कि मैं अपने माँ बाप को डेडिकेट करना चाहूँगा कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे लाइफ में। 5 टेस्ट मैचों वाली मौजूदा श्रृंखला के पहले 3 मैच में ही जायसवाल अब तक 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। उधर इस टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक जड़ने के साथ साथ इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी 5 विकेट चटकाने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। No, I was just looked to build partnership with Rohit, you know, because we were in difficult situation, 33-43 in first inning, and my job was to, you know, just play a big role and look to back my strength, play my shots, not try and be more conscious, just react the ball, just watch the ball and play the ball. कहते हैं ना कि रस्सी भले ही जल जाए पर ऐंठन नहीं जाती। रनों के हिसाब से साल 1934 के बाद सबसे बड़ी और इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार झेलने के बावजूद इंग्लैंड के कैप्टन अब भी इस श्रृंखला में जीत की संभावना का दम कर रहे हैं। Yeah, look, I think, you know, that's reflective of the way in which, you know, how Ben Duckett played. I thought that innings in itself was remarkable to watch. It set us up to be in a real strong position going into day 3 and obviously राजकोट क्रिकेट टेस्ट की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भारत फिलहाल न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। अब सवाल ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले दोनों फाइनल मैचों में क्रमशः न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार चुकी भारतीय क्रिकेट टीम क्या इस बार टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाएगी? दिया वासु, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। मानव रचना समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।